आज से सिर्फ 7 साल पहले यानी साल 2014 में 1 GB मोबाइल डेटा का एवरेज कॉस्ट था 268.97 रुपए। आप सबको तो याद ही होगा, मगर जैसे जैसे कंपटीशन और टेक्नोलॉजी बढ़ता गया और रिलायंस जियो के आने के बाद ये गिर गया 11 रुपये पर GB पे। बट अब इस साल और भी घट गया है। हर कंट्री में यानी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं सब में अलग अलग अमाउंट है पर GB के। अफ्रीका में कंट्री है बेनिन, वहाँ का 1 GB इंटरनेट डेटा का कॉस्ट लगता है 2000 रुपये। 2000 रुपये 1 GB के लिए। अफ्रीका में चैड नामक कंट्री है, वहाँ 1 GB इंटरनेट डेटा का कॉस्ट है 1680 रुपये। कनाडा में 1 GB इंटरनेट डेटा का कॉस्ट है 904 रुपये। अमेरिका में 1 GB इंटरनेट डेटा का कॉस्ट पड़ता है 600 रुपये। न्यूजीलैंड में पर GB है 400 रुपये। फिनलैंड में पर GB है 200 रुपये। और ये गिरता है मेजरली यूक्रेन में आके। यूक्रेन में पर GB कॉस्ट है 33 रुपये। इसराइल एक कंट्री है, वहाँ पर GB कॉस्ट है 8 रुपये। और इंडिया में पर GB इंटरनेट डेटा का कॉस्ट अभी के समय में सिर्फ 6 रुपये 50 पैसे, जो कि पूरे विश्व में सबसे लो कॉस्ट है इंटरनेट डेटा का। और ये जो एवरेज कॉस्ट है ये मोबाइल डेटा पे ही नहीं बल्कि सारे कंट्रीज के ब्रॉडबैंड प्लस मोबाइल डेटा के कॉस्ट को मर्ज करके एवरेज निकाला गया है। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।